कोई भी बात करने से पहले सोचा करो कि यार मेरे में अवगुण है, मैं दूसरों के अवगुण क्यों गाऊं। जो करता है वो जाने, उसका राम जाने, आप अपना संभालो। कभी दूसरों को देखना तो उनके गुण देखा करो, उनमें अवगुण ना देखा करो। एक छोटी सी और सीधी सी थ्योरी है, अगर आप मानो सासंगत, जो खुद में देखते हो वो चला जाता है, दूसरों में देखते हो वो खुद में आ जाता है। बस ये है फार्मूला रूहानियत के लिए, जो खुद में देखोगे वो चला जाता है। तो खुद में अवगुण देखा करो ताकि वो चले जाएं, कि मेरे में क्या अवगुण है, कौन सी गंदी आदत है, कौन सी कमियां हैं, उनको देखो। अपने गुणों पे ना इतराओ, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलां करता हूं, उनकी फिर वो डाउन हो जाता है। और दूसरों में जो देखोगे वो आ जाएगा आपके अंदर। तो दूसरों में गुण देखो ताकि आपके अंदर और गुण आ जाएं और आप गुणवान बन के मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएं। बस ये छोटी सी एक थ्योरी है, फार्मूला है, इसको दिमाग में रखा करो। अपने आप पे इतराओ ना, और ये भी नहीं कि अपने आप को अपनी निगाह में गिरा दो, ये भी गलत है। ये कहो कि ठीक है मेरे में गुण है, मैं अच्छे काम करता हूं, पर मेरे में गुण मेरे सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु के रहमो करम की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूं। दैट्स ऑल।